के लिए एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन उसका जन्मदिन होता है। उसकी खुशियों में चार चांद जब लग जाते हैं जब जन्मदिन की खुशियां उसके परिवार वाले, सगे संबंधी और समर्थक मनाते हैं। ऐसा ही कुछ विशेष डबरा के लाडले युवा सम्राट, युवा भाजपा नेता सुकर्ण मिश्रा के जन्मदिन पर युवा समर्थकों ने शहर में हर जगह बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाकर शहर और ग्रामीण क्षेत्र वासियों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं कुछ युवा समर्थक कौन है, गरीब असहाय लाचार लोगों की सहायता करके अपने युवा नेता सुकर्ण मिश्रा की लंबी आयु की कामना की है। वहीं पर भाजपा युवा नेता सुकर्ण मिश्रा एवं भाजपा समर्थक युवा नेता शैलेन्द्र पचौरी एवं अमित उर्फ अंबू चौबे ने अपने नेता का जन्मदिन कुछ अलग ही अंदाज में मनाया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की संस्था अपना घर आश्रम डबरा में एक सैकड़ों प्रभुजियों के बीच एक दिन का भोजन प्रसादी वितरण कराई गई। साथ ही अपने चहेते नेता एवं भाजपा युवा सुकर्ण मिश्रा का पूरे शहर के मुख्य मार्ग एवं चौक चौराहे पर सबसे अधिक बोर्डिंग लगाकर समस्त देशवासियों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का काम किया। जी आज मैं यहां आया हूं आपका अपना घर आश्रम में। कई प्रभु जी यहां पर जो है बड़े चाव के साथ अपने भोजन कर रहे हैं। ये किस तरह से आप लोग इतना संभाल पा रहे हो, क्या किस तरह से व्यवस्था संभाल पा रहे हैं आप? परमपिता परमात्मा का घर है तो यहां संभालने वाला भी वही है, इनको रखने वाला भी वही है। हम तो जब परमात्मा ने हमें एक मॉरल ड्यूटी जो दे रखी है मानवता की, वो निभाने का प्रयास करते हैं बीच में। कितने साल इस संस्था को चलाए हो गए हैं? और तीन वर्ष से ऊपर आश्रम संचालित है, तीन वर्ष से ऊपर। कितने अभी प्रभु जी अपने यहाँ हैं और उनका खर्चा किस तरह से आप कर पा रहे हैं? 75 प्रभु जी अभी आश्रम में प्रवेशित हैं। ये खर्चा सब परम पिता परमात्मा आप जैसे स्वरूप में किसी न किसी को भेज के पूरा कराता है। सारा जन सहयोग से चलता है और जो भी यहाँ की व्यवस्थाएँ चल रही हैं, और डबरा नहीं करीब 35 आश्रम है इंडिया में, सारे जम सहयोग से ही चल रहे हैं। परमपिता परमात्मा अपने माध्यम से। किस संस्था के अंतर्गत ये कार्य इस तरह से आपने पूरे प्रदेश भर में, शायद मुझे लगता है देश भर में होगा, किस कौन सी संस्था ये चला रही है? प्रभु जी सेवा अपने आप में एक सेल्फ संस्था थी, बाद में पता चला कि एक अपना घर आश्रम भी इसी तरीके से प्रयोग चलता है। तो उनसे मिलकर एक अपना घर नाम से ये संस्था डबरा में चल रही है, जो 36 आश्रम संचालित कर रही है इंडिया में, इंडिया से बाहर नेपाल काठमांडू मिला। इसमें शासन द्वारा भी कोई सहायता आपको मिलती होगी, ऐसा कुछ है? शासन से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता राशि के रूप में, बाकी दवाएं, डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें सुविधाएं हमें जिस तरीके से मिल पाती हैं परमात्मा सारे उपलब्ध करा देता है। बाकी राशि के लिए यहाँ पे कभी चंदे का कट्टा या कोई और अन्य सामग्री बाहर मांगना या प्रशासन से इस तरीके का लालच रखना या कोई राशि दी जाए आश्रम के लिए, तो वो ये संस्था की विपरीत विचारधारा है। डबरा की संस्था में कितने सदस्य आप लोग जो है काम कर रहे हैं? डबरा के करीब 1000 लोग अभी संस्था में जुड़ चुके हैं, 1000 लोग हैं। बाकी ईश्वर की कृपा में सदैव प्रगति पे है। आपकी नियति और नीति एक है तो परमात्मा आपको उन्नति की तरफ ले जाए। देश की जनता, डबरा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह के आप कार्य कर रहे हैं, और क्या चाहते हैं आप? कोई संदेश नहीं, सभी निवेदन है कि मानव ईश्वर ने क्या है डेजिनेशन से हमको बना दिया है, ये पांडे जी है, ये रावत जी है, ये कोई है, लेकिन परमात्मा ने फिर मानव बना के भेजा है, तो मानवता की तरफ बने रहें वो ज़्यादा अच्छा है। डेजिनेशन तो फात रहेगी नहीं, मानव भाई का जीवन में रहेगा मानवता के साथ। तो सभी से यही निवेदन है कि जहाँ भी ऐसे प्रभु जी, अगर आपको लगता है कोई एफ आई आर लावारिफ डले हैं, उनका अपना घर है, वो 24 घंटे खुला है, प्रभु के दर्शन खुले हैं, कभी भी प्रवेश करा। धन्यवाद। आपके द्वारा आज जो है गरीबों को भोजन कराया गया, क्या मामला था और क्या कारण है प्रभु जी? सर्वप्रथम पांडे जी को तो मैं धन्यवाद करूँगा। ये जो व्यवस्था है, ये जो कार्यक्रम है, बड़े अद्भुत, भगवान की कृपा से ये सब कुछ अद्भुत है। क्योंकि यहाँ सुकर्ण भाई साहब का आज बर्थडे है, तो यहाँ पर बहुत ही कई तरीके के एबनॉर्मल और तभी सभी लोगों को ये संभालते हैं, वो बहुत विश्वसनीय और बिल्कुल सराहनीय है। क्योंकि यहाँ आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ भोजन का कार्यक्रम रखा था छोटा सा, क्योंकि यहाँ सभी लोग भोजन कर रहे हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा भी। बस इतना ही कहूँगा, पांडे जी बहुत ही सराहनीय और अद्भुत कार्य कर रहे हैं। किस तरह का भोजन आपके द्वारा प्रभु जी को कराया गया है? इसमें जो पांडे जी की तरफ से रोज का जो भोजन चलता है, जो स्तर पर चल रहा है, उसी तरीके का डेली रूटीन का भोजन है और बहुत ही अच्छा भोजन है। क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत अद्भुत है, बढ़िया व्यवस्थाएं पाई गई, जो सोचा था जो देखा था उससे कहीं ऊपर बढ़कर है, बहुत ही बढ़िया काम है। अपने क्षेत्र में सबसे पहली अच्छी चीज लगी थी।